कौशल विकास सोसाइटी के नए कार्यालय अब हाईकोर्ट के पास आ गया है। सूबे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कार्यालय के उद्घाटन के साथ कौशल विकास के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अपनी स्थापना के बाद यह पांचवा मौका है जब कौशल विकास मिशन सोसाइटी का एड्रेस बदल गया है। कौशल विकास का नया कार्यालय अब हाईकोर्ट के नजदीक श्रम भवन के पिछले हिस्से में अवस्थित हो गया है। पहले यह कार्यालय नामको में स्थित टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में चल रहा था, लिहाजा किसी भी फाइल को सचिवालय आने में घंटों का वक्त लग जाता था। नामको में कार्यालय था और हम लोग को मंत्रालय नेपाल हाउस है और बगल में श्रम कार्यालय है, तो एक जगह रहने से काम करने में आसानी होगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ कार्यालय को खुलवाए हैं और COVID-19 के चलते तो भी प्रशिक्षण केंद्र बंद है। अब संभवतः धीरे धीरे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निर्णय लेंगे, तो जैसे प्रशिक्षण केंद्र शुरू होगा तो पूरे झारखंड में हम लोग ट्रेनिंग देंगे, उसके अलावा रोजगार मेला भी लगाएंगे। ये पलायन का दाग जरूर लगा है और ये कह सकते हैं उसी क्रम में लगातार हेमंत जी की प्रयास रही है कि किस तरह से यहाँ के जो श्रमिक हैं वो रजिस्टर्ड हों, कहीं भी काम करें उनको जो है बेनिफिट उसका मिले। कोविड की वजह से कौशल विभाग के तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद है, ट्रेनिंग सेंटर पर ताले लटके हुए हैं। झारखंड की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में की जाने लगी है जहाँ पर सबसे ज्यादा पलायन होता है, इसे रोके जाने की जरूरत पर बल दिया गया। श्रम सचिव प्रवीण टोपो ने कहा कि पलायन जीरो पर आ जाए या कभी संभव नहीं है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। तो सरकार हमेशा प्रयासरत रहती है कि राज्य के अंदर ही अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं, लेकिन जो ये कहीं किसी राज्य से बाहर जाने की जो परंपरा है हर राज्य में है, हर राज्य से लोग कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, तो ये पूर्णतः तो कभी ये प्रोसेस जो है स्टॉप नहीं होगी। 18 वर्ष ऊपर जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जो उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग दे करके उनको रोजगार से हम लोग जोड़ सकें, उनको प्लेसमेंट दे सकें, प्रयास रहेगा कि झारखंड में ही उनको हम लोग प्लेसमेंट करें ताकि उन अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, अपने परिवार को पालन कर सके, यही हम लोगों का मेन उद्देश्य। कौशल विकास के कार्यालय के हाईकोर्ट के पास आ जाने से फिलहाल सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के कर्मचारियों को मिलेगा जो रांची से 22 किलोमीटर दूर दफ्तर जाते थे। साथ ही श्रम मंत्री और श्रम सचिव के अलावा श्रम विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने में कौशल विकास अफसरों को भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। और अब जल्द ही नक्सल प्रभावित इलाकों में